Na jaane se.
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। आखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदपदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ के मन में भी यही रहता है कि वे सदा जीवित रहें। तो महर्षि ने जो है, पतंजलि ने योग शास्त्र में पांच क्लेशों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि अविद्या अस्मिता राग देशा अभिनवेशा पंच क्लेशा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनवेश, ये जो है ये पांच क्लेश जो है कहे गए हैं। ये मनुष्यों को कष्ट देने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें क्लेश कहते हैं। तो इन पांच क्लेशों में से एक क्लेश जो है वो अभिनवेश कहलाता है। अभिनवेश किसे कहते हैं? मृत्यु के भय को। यह मृत्यु का भय जो है उस संसार के प्रत्येक मनुष्य के सिर पर जो है सवार होता है। तो महर्षि ने जो है, पतंजलि ने आगे कहा कि स्वर्वाही माना प्रजा सिर सो भीत वीरान, कि हे मृत्यु देव, तुम देव यान से भिन्न मार्गों द्वारा विद्वान मनुष्यों के मार्ग से दूर हट जाओ। हे नेत्र वाले एवं सब कुछ सुनने वाले मृत्यु देव, मैं तुमसे जोर देकर कहता हूं कि हमारी संतान और हमारे वीरों को मत मारना। तुम श्रेष्ठ उत्तम मार्ग पर चलो। तो एक मंत्र आता है कि ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वरदनम औरवारुकमिव वंदना प्राप्त हो जाए तो यही मृत्यु पर जो है विजय होती है। मृत्यु पर विजय का यह अर्थ नहीं होता है कि मनुष्य की मृत्यु जो है, मनुष्य को जो है मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, अपितु मृत्यु पर जो है विजय का अर्थ है कि जब मनुष्य की मृत्यु आए तो वह घबराए नहीं, उसे हंसते हुए जो है स्वीकार करे। जीवन की या एक बहुत बड़ी साधना है। प्रश्न यह है कि ऐसी अवस्था जो है वो कैसे प्राप्त होगी, कौन से उपाय अपनाए जाएं जिनसे जो है मनुष्य इस उच्च स्थिति को जो है प्राप्त कर सके। तो मृत्यु जो है का भय मनुष्य को ना सताए, शास्त्र में बैठाने की आवश्यकता है। जब जो है यह सत्य हृदय गमन हो जाता है, तब मनुष्य जो है मृत्यु से ऐसे छूट जाता है जैसे पका हुआ खरबूजा जो है अपनी लता बंधन बेल से जो है छूट जाता है। सारे ही परिवार मेंबर, करीबी रिश्तेदार और कमलजीत कौड़ा जी के दोस्त मित्र और प्रशंसक आज उन्हां दी बेहद अफसोसनाक मौत के सिलसिले इत्थे हाजिर हाँ। अज दे दौर च 78 साल की उम्र कोई Thank you.
Thank you.
से तेरा करना आसान है, जरा शरण मेरी राम की, मेरा नाम करुणा
Thank you.
Oh,
परमेश्वर की आराधना की है। अब 2 मिनट में बड़े ही मौन भाव के साथ, बड़े ही एकाग्रचित मन के साथ प्रार्थना करनी है उस परमपिता परमेश्वर के आगे, जिसकी कृपा के बिना इस संसार में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में एक कण भी इधर से उधर नहीं हो सकता। सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना प्रभु, और परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति। राम 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 राम। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, आखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदपदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदिन्दो तु सार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा परदंड मंडित करा, या सवेत पद्मासना, या ब्रह्मांजित शंकर प्रभुर देवी देवी सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाद्यापहं। परम आदरणीय यहाँ पर बैठे हुए भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, आज जो है हम इस शोक सभा में जो है सभी इकट्ठे हुए हैं, तो उसमें जो है इस परिवार को जो है सांत्वना देने के लिए जो है, और जो हमारे बीच में जो है दिवंगत आत्मा जो है गई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है एक गरुड़ पुराण की कथा जो है रखी गई है। तो गरुड़ पुराण में जो है कहते हैं श्री हरि विष्णु जी, श्री हरि विष्णु जी बिनता के पुत्र श्री गरुड़ जी महाराज को कहते हैं कि हे गरुड़, ये संसार जो है, ये संसार जो है वो द्वंद है, इसमें जो है द्वंद पाए जाते हैं। द्वंद किसे कहते हैं? द्वंद कहते हैं जोड़े को। जिस प्रकार जो है संसार में सुख है तो उसके साथ जो है दुख भी जुड़ा हुआ है, जहां पर जो है विजय है वहां पर पराजय भी है, मान अपमान हर्ष शोक विकास हास और उत्थान पतन, ये सब जो है जोड़े पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो है जीवन में जन्म और मृत्यु का भी एक जोड़ा पाया जाता है, और हास दोनों ही जो है प्राप्त होते हैं। वैदिक मनुष्यों को विकास के साथ जो है हास का नियम भी कार्य करता हुआ प्रतीत होता था कि जीवन में पतन के साथ उत्थान भी है और उत्थान के साथ पतन भी है। इसी प्रकार से जो है वो जीवन के जो है जन्म के साथ जो है मृत्यु और मृत्यु के साथ जो है जन्म का संबंध पाया जाता है। वास्तव में हम सबको ज्ञात है कि जीवन के इन द्वंद्व के युगल पक्षों का वास्तविक जो है बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इस कटु सत्ता का ज्ञान होते हुए भी जो है हम जीवन में जो है मधुर पक्ष की तो इच्छा करते हैं, परंतु जीवन में जो है कटु पक्ष की आकांक्षा नहीं करते हैं। यही हमारे जीवन की जो है मौलिक जो है दुर्लभता है। हमारे हमसे जो है प्रत्येक मनुष्य यही स्वाभाविक इच्छा होती है कि मुझे जो है जीवन में सुख प्राप्त हो, दुख प्राप्त ना हो। सुखम भूया दुखम मा भूया। जिस प्रकार से जो है एक व्यापारी जो है लाभ की बात सुनने की इच्छा तो रखता है, परंतु हानि की बात नहीं सुनना चाहता है, तो साध्या करते हुए जो है प्रार्थना कही गई है कि जीवेम सरदा सतम भूयाच सरदास्ता। इसी प्रकार की प्रार्थना की है कि जीवेम सरदा सतम, दीर्घायु की प्रार्थना कही गई है कि जीना जो है वो हमारा अधिकार है, हम 100 वर्ष तक जीने का प्रयत्न करें, इससे भी अधिक जीने की इच्छा का रखना और जीने के साधन को जुटाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु साथ में यह भी स्मरण रखना है कि मृत्यु में भी एक दिन जो है वो आना है। वास्तव में सभी के मन में मृत्यु का भय जो है समाया होता है। तो कहा गया है युधिष्ठिर यक्ष जो है युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य जो है
क्या है? तो उन्होंने उत्तर में दिया, उत्तर में कहा कि अहन्याहाने भूताने गच्छन्ति यमवाल्यः शेषा सामिचं किमाचरमं परम, कि प्रतिदिन जो है प्राणी मृत्यु का ग्रास बनकर यम माल्या की ओर जा रहे हैं, परंतु जो शेष बच जाते हैं उनकी यही इच्छा होती है कि वे सदा जीवित रहें। बड़ी ही विचित्र समस्या होती है कि जब व्यक्ति जो है दाह कर्म करते हैं उनके मन में भी यही रहता है कि वे सदा जीवित रहें। तो महर्षि ने जो है पतंजलि ने योग शास्त्र में पांच क्लेशों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि अविद्या अस्मिता राग देशा अभिनवेशा पंच क्लेशा, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनवेश, ये जो है ये पांच क्लेश जो है कहे गए हैं। ये मनुष्यों को कष्ट देने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें क्लेश कहते हैं। तो इन पांच क्लेशों में से एक क्लेश जो है वो अभिनवेश कहलाता है। अभिनवेश किसे कहते हैं? मृत्यु के भय को। यह मृत्यु का भय जो है उस संसार के प्रत्येक मनुष्य के सिर पर जो है सवार होता है। तो महर्षि ने जो है पतंजलि ने आगे कहा कि स्वर्वाही विदुषो अपि तथा रुणो अभिनवेशा, यह मृत्यु का भय जो है या पूर्व जन्म के जो है अनुभव से जो है वो प्राप्त होता है। सब प्राणियों को नित्य आशा होती है कि हम सदैव जो है शरीर के साथ जो है बने रहें, अर्थात कभी मरे नहीं। या आशा जो है पूर्व जन्म के अनुभव से होती है। या मृत्यु का भय केवल मूर्खों विद्वानों के सिर पर ही सवार नहीं होता है, बल्कि या बड़े बड़े विद्वानों के सिर पर भी सवार होता है। बड़े बड़े पठित व्यक्ति भी, नाना प्रकार के शास्त्रों के विद्वान भी मृत्यु का भय का नाम सुनकर जो है भयभीत हो जाते हैं। मृत्योपनुप्रेहि पंथम यस्त्रे इत्रो देव्यानाथ चक्षुष्मते श्रुवते ते ब्रीमि माना प्रजा शिरसो भीत वीरान, कि हे मृत्युदेव तुम देवयान से भिन्न मार्गों द्वारा विद्वान मनुष्यों के मार्ग से दूर हट जाओ। हे नेत्र वाले एवं सब कुछ सुनने वाले मृत्युदेव, मैं तुमसे जोर देकर कहता हूँ कि हमारी संतान और हमारे वीरों को मत मारना। तुम श्रेष्ठ उत्तम मार्ग पर चलो। तो एक मंत्र आता है कि ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। तो इस मंत्र में जो है परमात्मा के कुछ विशेषण गिनाए गए हैं और परमात्मा से जो है प्रार्थना की गई है कि हम मृत्यु से ऐसे छुटे जैसे पका हुआ खरबूजा जो है वो लता बंधन से जो है छूट जाता है। मनुष्य को जो है ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होती है, इसके भी कुछ उपाय अपनाए जाएं जिससे जो है मनुष्य को जो है यह अवस्था प्राप्त हो जाए। तो यह अवस्था जो है जीवन की चरम साधना होती है। यदि यह अवस्था जो है मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो यही मृत्यु पर जो है विजय होती है। मृत्यु पर विजय का यह अर्थ नहीं होता है कि मनुष्य की मृत्यु जो है मनुष्य को जो है मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, अपितु मृत्यु पर जो है विजय का अर्थ है कि जब मनुष्य की मृत्यु आए तो वह घबराए नहीं, उसे हंसते हुए जो है स्वीकार करे। जीवन की यह एक बहुत बड़ी साधना है। प्रश्न यह है कि ऐसी अवस्था जो है वो कैसे प्राप्त होगी, कौन से उपाय अपनाए जाएं जिनसे जो है मनुष्य इस उच्च स्थिति को जो है प्राप्त कर सके। तो मृत्यु जो है का भय मनुष्य को ना सताए, शास्त्र ने यंत्र मंत्र इसके कुछ उपाय बताए हैं। उन उपायों को यदि मनुष्य अपने हृदय में हृदय गमन कर ले तो फिर मृत्यु उसके लिए जो है भयवान नहीं रहती। सबसे पहला उपाय जिसे मनुष्य को अपने हृदय में सदा बैठा लेना चाहिए कि वह आत्मा जो है वो अमर है और शरीर जो है न
नासवान है। जैसे कि यजुर्वेद में आया है कि वायुर नीलम मृतम मध्येदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो करतो समरम क्लेशम समरम करतो समरम कृतम समरम। तो उपनिषद ने इस मंत्र के माध्यम से जो है मनुष्य को जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने की अवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश किया है कि मनुष्य को जो है अपना जीवन इस प्रकार व्यतीत करना चाहिए कि अजर अमर आत्मा और निश्वर निश्वर शरीर के वियोग का समय जब आए तो वह ओम का उच्चारण कर सके कि हे जीव अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का स्मरण कर, अर्थात अपने जीवन में अब तक जो कर्म तूने किए हैं उन्हें याद कर, क्योंकि मनुष्य सारे जीवन में जैसे कर्म करता है मृत्यु के समय उन कर्मों का वैसा ही चित्र जो है उसके सामने आ जाता है। हम देखते हैं कि मनुष्य जो है शरीर पंच भौतिक है या पांच भूतों के समुदाय का परिणाम है, या क्रमशः जो है विकास को प्राप्त होता है और फिर ह्रास की ओर जो है उन्मुख होता है। विकास एवं ह्रास या सृष्टि का जो है परिवर्तनीय नियम है। इस शरीर पर इस नियम को प्रत्यक्ष घटाते हुए जो है देखते हैं कि जब वह अमर तत्व शरीर से निकल जाता है तो कहा जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई। चित्त को जो है हृदय में बैठाने की आवश्यकता है। जब जो है यह सत्य हृदय गमन हो जाता है तब मनुष्य जो है मृत्यु से ऐसे छूट जाता है जैसे पका हुआ खरबूजा जो है अपनी लता बंधन बेल से जो है छूट जाता है। वह समझ व्यक्ति जो है समझ लेता है कि आत्म तत्व जो है वो तो जो है वो कभी मर नहीं सकता। मैं तो अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा तो केवल जो है शरीर जो है केवल उसका वियोग होगा। शरीर जो है पांच भूतों का समुदाय है, इसे अंतकत्व जो है पांच भूतों में ही विलीन होना है। तो जब ऐसा होना है तो किस प्रकार की चिंता है। तो इसी के साथ जो है गरुड़ पुराण की कथा को पूर्ण विराम। बोलिए गरुड़ जी महाराज की। सारे ही परिवार मेंबर, करीबी रिश्तेदार और कमलजीत कौरा जी के दोस्त मित्र और प्रशंसक आज उन्होंने दी बेहद अफसोसनाक मौत के सिलसिले इतने हाजिर हैं। अज के दौर 78 साल की उम्र कोई जान की उम्र नहीं है संसार चो। बेशक उन्हां दा परिवार, उन्हां दा बेटा अपनिया परिवारक जिम्मेवारियां और अपने कारोबार नूं बेहद खूबसूरती दे नाल निभाउंदे समर्थ है, लेकिन अजे परिवार नूं कौड़ा जी की सरप्रस्ती की बेहद जरूरत सी और उम्र के किसी हिस्से जदों परिवार उस परिवार के दुखी तो वाझा हो जाए तो उन्हों का दर्द सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी जाती तौर पर पिछले 30-35-40 साल तो कौड़ा जी का बहुत ज़्यादा तरीकियाँ जो रहा, जिंदगी का ज़्यादा हिस्सा उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मंडी फरीदगढ़ लगभग 27-28 साल इको थान के उत्ते नौकरी की और उन्होंने बैंक के अंदर जो अपनी इज्जत बनाई ना सिर्फ बैंक के अधिकारियों के कोल बल्कि कोई भी कस्टमर जो बैंक जाता सी। मैं जाती तौर पर इस गल का उलम है कि सब तो पहला वो कोशिश होंगी सी कि अगर कौड़ा जी मिल जाए तो साड़ा काम जल्दी हो जाएगा।
बेहद इमदाद करने वाले अपनी सीट तो अलावा बाकी सीटों का काम भी दोस्तों मित्र और बैंक के कस्टमर के लिए दौड़ भज के करने वाले जदों कौड़ा जी ने यह महसूस किया कि हुण नौकरी दीआं बंदिशां नूं छड्ड के अपना कारोबार किया जाए तो उन्होंने मंडी गोबिंदगढ़ के विच ही अपना कारोबार शुरू किया और जिवें बेहद कामयाबी के नाल उन्होंने अपनी सर्विस की सी उस तरह ही बहुत कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर मंडी गोबिंदगढ़ अपने आप को एस्टैबलिश किया। एक गल का मैं उन्होंने का बहुत वड्डा प्रशंसक सी। आम तौर पर अभी समाज देखते हैं कि साडा किसी घटना के प्रति प्रतिक्रम किसी शख्स बारे साडे विचार मन के अंदर होर होंगे ने पर असी समाजी रिश्तों का ध्यान रख के उन्हां विचारां नूं खुले तौर पर प्रगट नहीं कर सकते। बहुत घट लोग तुहानूं समाज अजिहे मिलणगे जिन्हां के अंदर यह सलाहियत होए कि वह अपने मन के विचारां नूं बहुत बेबाकी दे नाल किसी के सामने जुबान पर भी वो लै आउण जो उन्हां दे मन च है। और यकीनन मैं कह सकता कि कमल जी कौड़ा जी उन्होंने थोड़े लोगों जो सन जिन्होंने जिंदगी दे विच जो उन्होंने मन के अंदर होया उहदे विचारां दी उन्होंने खुल के उन्होंने प्रगट किया। और शायद होर भी मेरी तरह बहुत सारे लोग उन्होंने इस गुण करके उन्होंने प्रशंसक बने। अजिहे शख्स का इन्नी जल्दी समाज चो चले जाना परिवार वास्ते तो बहुत वड्डा घाटा है। मैं सोचता कि दोस्तों मित्रों के दायरे के लिए भी इन्ना वड्डा घाटा है कि आने वाला बहुत सारा समा वो इस घाटे को महसूस करके उनका बेटा विवेक एक बेहद कामयाब बिजनेसमैन ही नहीं अपने पिता के नाल कारोबार होता कुछ नहीं किया और जो उसकी शख्सियत का सुभाव है मैं समझता कि कारोबार के नाल नाल जो परिवारक जिम्मेवारियां ने जिन्हें बहुत ज़्यादा हम उसके कंधे पर आ गई उन्होंने भी बहुत कामयाबी के नाल निभाने के समर्थ है। पर जिवें मैं पहला जिक्र किया कि अजे परिवार को कौड़ा जी की संतुष्टि की बहुत जरूरत सी और उन्होंने चले जाना साढ़े सारे वास्ते बहुत अफसोसनाक है। बहुत सारिया संस्थावां दे शोक प्रस्ताव आए ने जिदे गवर्नर गौशाला स्टेट बैंक ऑफ पटियाला रिटायर्ड ऑफिसर एसोसीएशन खन्ना यूनियन श्री अद्वैत स्वरूप आनंद आश्रम माता कुशल्या सेवा केंद्र पंजाब खतरी चेतना मंच जय माता नैना देवी सेवा समिति लंगर कमेटी श्री आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और श्री शरणी साई शक्ति फ्री ट्रस्ट मैं उन्होंने सारिया संस्थावान का परिवार वालों धनवादी हाँ जिन्होंने उन्होंने याद के अंदर उन्होंने आत्मा की शांति के लिए शोक संदेश भेजे ने। सो मैं समुची अज की शोक सभा वालों कौड़ा जी को अपने दिल दुराइया चो शरदा के फूल भेंट करता होया उन्होंने परिवार श्रीमती सुरत कौड़ा उन्होंने बेटे विवेक और बेटी दिप्पी जेडे दोनों बच्चे बहुत ही हैप्पी मैरिड ने और अपने परिवारक जीवन के अंदर अपने सारे परिवार के नाल बहुत वधिया निभा रहे हैं। मैं समुचे शोक सभा वालों अज की समुची शोक सभा का धन्यवाद करना। परिवार वालों बेनती है कि जिन्होंने भोजन नहीं लिया वो जरूर लैके जा और आरती तो बाद चाह का कप साढ़े जरूर लैके जा। एक बार फिर समुचे शोक परिवार वालों थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम
वो भोजन कर लें और चाय का प्रसाद सभी ने देख लेना। धन्यवाद।